जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस यूट्यूब एकेडमी चैनल एंड हाउ आर यू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर हमारा 12। और लास्ट वीडियो में जैसे कि रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स की हमने लड़ाई मतलब फाइट मतलब रॉ और उसकी एलिगेशन के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा कनेक्टेड है चैप्टर 11 से चैप्टर 12। एंड वी आर ऑन वीडियो 25, मिस्टर चिप्स सेकेंड ईयर नॉवल इंग्लिश। और आज हमने इसको थोड़ा सा मजीद जो कि उसकी लड़ाई थी और फिर चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स आए और उन्होंने आकर जैसे ही उनको प्रोटोकॉल्स दिए लाइक मिस्टर चिप्स को थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो उसके बाद क्या बात हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वीडियो 1 में बताई थी कि बायोग्राफी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई टोल्ड यू इन वीडियो 1, तो उसी में से थोड़े से पॉइंट्स दोबारा से इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बायोग्राफी पूरे नॉवल की थी और ये सिर्फ चैप्टर 12 है, तो बायोग्राफी के जितने पॉइंट्स होंगे वो हमने इसमें देखने हैं। जैसे कि यहां पे मैंने आपको लिखा हुआ है रिटायरमेंट एट एज ऑफ 65। मिस्टर सेफ ने रिटायरमेंट ली तो 65 साल उनकी उम्र थी और यहां पे एक लेंथ ऑफ सर्विस लिखा हुआ है जिसको कहते हैं स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने कितना अरसा ब्रुकफील्ड की खिदमत की, वो थे 42 इयर्स। एंड दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स जो हम डिस्कस करते रहते हैं, वीडियो में भी बताते हैं, फिर कहते हैं जी वीडियो के लास्ट में भी हम बताएंगे। तो आज जो चैप्टर के अंदर है मैक्सिमम कोई 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा अहम है और इस चीज को आप जरूर देखिएगा कि जुलाई 1930 के अंदर उन्होंने रिटायर किया था और एंड ऑफ टर्म मतलब उनका उस वक्त टर्म इख्तिताम हो गया था, फिर डिनर भी हुआ और डिनर के बाद जो फेयरवेल था उनका फेयरवेल पर भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जी क्या फेयरवेल में उनको गिफ्ट दिए गए और कौन से गिफ्ट थे, वो भी इस आप चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक ब्रोंकाइटिस डिजीज है वो लिखी हुई है जबकि डॉक्टर मेलविल ने कहा था कि इनको कोई वाकई में कोई बीमारी नहीं है एंड दिस इज समथिंग लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज, ऐसी जो कि सांस की बीमारी होती है ये नॉर्मल होती है, ये आप इसको डिजीज नहीं कहेंगे। और ये इधर मैंने ब्लॉग में लिखा है कि रॉल्स्टन्स वर्ड्स अफेक्टेड, तो व्हाट इज दैट कि जब इंसान की काफी एज हो जाती है बड़ी एज हो जाती है तो उस पर वो इस तरह के वर्ड्स को इफेक्ट करती है, मतलब हार्ट पे इफेक्ट कर जाती है, ब्रेन पे कर जाती है, सोच पे कर जाती है और काफी लोग जो हैं वो इमोशनली उन वर्ड से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो इसने भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया था उनके रॉल्स्टन के वर्ड्स ने भी, तो दैट इज समथिंग ब्रोंकाइटिस मतलब रेस्पिरेटरी मतलब उनकी सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 12। सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड हैविंग अ लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल एंड इन 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट, तो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जब रॉल्स्टन की लड़ाई हुई लड़ाई के बाद रॉल्स्टन ने कब छोड़ा, तो मेरा ख्याल है 1908 में आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और 1911 इस 3 साल के अरसे में रॉल्स्टन थे और उसके बाद वो चले गए और वो गए क्यों थे ये भी आप सुन लें। To better himself, he was offered the headship of the greater public schools. मतलब उनको एक बहुत बड़े स्कूल ने फिर ऑफर की थी जिसकी वजह से उन्होंने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। His successor was named Chatteris. This is also an important character. आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर 12 के अंदर चैटरिस का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि जब मिस्टर चिप्स ने जुलाई में 1913 के अंदर रिटायरमेंट दी थी तो उसके बाद ये जो चैटरिस हैं इनकी थोड़ी सी तबीयत नासाजी हो गई थी, ये अपने मामला जो ऑफिस के स्टडी रूम के हैं जो कि मैनेजमेंट के हैं जो कि हेडशिप के हैं वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनकी रिक्वेस्ट पर दोबारा हेडशिप मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन की थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको जरा नोट डाउन कर लेना या आपने इस वीडियो को जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना या आपने इसको पिन कर लेना है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हिज सक्सेसर जो कि उनकी जगह लेने वाले थे वो थे चैटरिस होम चिप्स लाइक्ड और चिप्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिप्स भी उनको पसंद करते थे। ही वॉज इवन यंगर देन रॉल्स्टन हैड बीन 34 और वो रॉल्स्टन से भी नौजवान थे। He was supposed to be very brilliant at any rate, मतलब बहरहाल at any rate हर सूरत में वो बहुत मतलब ज़हीन थे, brilliant थे। He was modern, natural sciences tripos, मतलब वो जदीद ज़माने के थे और friendly बड़े मेहरबान भी थे, sympathetic इसको आप कहते हैं condolence मतलब हमदर्दी, हमदर्द बहुत ज़्यादा थे। Recognizing in chips a Brookfield इंस्टीट्यूशन ही courteously इसको कहते हैं मतलब courteous man जो होते हैं जो बहुत अच्छे manners वाले होते हैं, behavior जिनका बहुत अच्छा होता है, तो courteously and wisely accepted the situation,
तो वो जानते थे कि चिप्स ब्रुकफील्ड के लिए कितना ज्यादा, मतलब वो पहचानते थे कि चिप्स बहुत ज्यादा अहम है। तो उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से, बड़े अच्छे दानिशमंदी के साथ सूरत हाल को कबूल किया, मतलब चिप्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया ब्रुकफील्ड के लिए। फिर इन 1913 चिप्स हैड ब्रोच आइडियस, आई हैव रिटन दैट कि ये एक डिजीज है। सो व्हेन यू जस्ट सी के जब इंसान को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद उसका काम करना, उसका बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वॉज ऑफ ड्यूटी, उसने अपनी काम से, अपनी हेडशिप से जो है वो ड्यूटी ले ली, सॉरी रुखसत ले ली। रुखसत का मतलब उन्होंने कहा कि जब अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अब मैं काम मजीद नहीं कर सकता। फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, उन्होंने तकरीबन पूरी विंटर टर्म में ऑफ कर लिया था। इट वॉज दैट which made him decide to resign that summer. तो जब उन्हें ब्रोच आइडियस हुआ और उन्होंने पूरी विंटर में ऑफ किया, तो वहां से उनको पहचान हुई कि नहीं, अब मेरे लिए मुश्किल है, अब मैं इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। When he was 65, और जब उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी, I have written on the board, and after all it was a good ripe age, जबकि बहुत अच्छी उनकी एज थी, बहुत बड़ी उम्र में वो क्या कहते हैं पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो लिखा हुआ है, रॉल्सन स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट, तो उनको भी मतलब बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था कि यार ये रॉल्सन मुझे क्या क्या गया है, मतलब आई एम अ ओल्ड मेथोडोलॉजी पर्सन, लाइक आई डोंट नो द वे टू टीच। तो ये वाली चीजें जो थी उनको बहुत डिस्टर्ब कर गई थी। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ ही कुड नॉट डिक्शनली डू दिस हिज जॉब। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त सिंसियरिटी होती है आपकी जॉब के साथ कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप खुद कह देते हैं यार नहीं, दिस वर्क, दिस जॉब इज नॉट, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दिस जॉब। तो मिस्टर चिप्स का भी यही कहना था कि मैं अब ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से अब ये काम हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने सच कर, मतलब कि सच बताकर हैंग ऑन नहीं किया, मतलब उस जॉब के साथ चिमटे नहीं रहे, उन्होंने छोड़ दी। बिसाइड्स ही वुड नॉट सर्वर हिमसेल्फ कंप्लीटली, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इलावाजीन, इसके अलावा बिजाइड्स, इसके अलावा उन्होंने छोड़ नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने एक छोटी सी जॉब उस ब्रुकफील्ड के अंदर कैरी ऑन रखी, वो क्या थी, he would take rooms across the road, उन्होंने rooms लिए with the excellent Mrs. Wicket who had once been linen room, तो वो चादरें गलाफ ठीक करने वाली जो Mrs. Wicket थी उनके साथ उन्होंने कुछ rooms लिए, and he could visit the school whenever he wanted and could still in a sense remain a part of it, और उन्होंने इसलिए ब्रुकफील्ड के सामने मिसेस विकेट के मतलब के जो कि लैंड लेडी थी, उस घर की मालकिन थी, उधर एक कमरा इसलिए ले लिया कि ताकि वो हिस्सा बन के रह सके ब्रुकफील्ड का, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे वो। तो दैट्स व्हाई ही जॉइन दैट पोर्शन, और यू कैन से दैट कि उस पार्ट को उन्होंने उस वक्त ओन कर लिया, वहां पर उन्होंने एज ए रेंटल रहने लग गए, एंड कुड स्टिल इन सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और फिर उन्हें लगा कि मैं ब्रुकफील्ड का इस तरह हिस्सेदार रहूंगा, हिस्से में रहूंगा, मतलब उससे जुड़ा रहूंगा। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 1913 चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल, तो 1913 के अंदर उन्होंने जुलाई के अंदर रिटायरमेंट ली और उस वक्त उनको फेयरवेल मिली, प्रेजेंटेशन तहाइफ मिले, मेरा स्पीच, और उन्होंने स्पीच भी की थी। और बहुत जबरदस्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीच के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितनी भी मेरी चीजें हैं, मतलब जितनी भी मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जितनी भी मेरी वेल्थ है, अब जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद ये जो थोड़ी अमाउंट जो भी मेरी रेंट होगी, मतलब मैं सिर्फ विकेट के घर में रहता हूं, तो वो आप उनको पे कर दें, और जितने भी बाकी पैसे होंगे वो उन बच्चों को, उन बच्चों के लिए एज अ स्कॉलरशिप दी जाए कि वो जो बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर पाते फी के। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड। इट वाज नॉट वेरी हैप्पी और वेरी लॉन्ग स्पीच, यू कैन से उनकी इतनी बड़ी स्पीच नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मेनी जोक्स इन इट। उस तकरीर के अंदर जो मिस्टर चिप्स ने अपने फेयरवेल पर की 1913 में जुलाई के अंदर, वो उसमें थोड़े से जोक्स थे, एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग परहैप्स बाय द लाफ्टर दैट इम्पीडेड, और उन्होंने काफी जोक्स दिए, तो उसके अंदर एक रिकावट जो थी, इम्पीडेड यहाँ पर रिकावट है, देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट, तो लातीनी ज़र्बुल मसल भी उनकी स्पीच के हिस्से बन रहे थे और हिस्सा थे, एज वेल एज अ रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल हु चिप्स सेड बीइंग गिल्टी ऑफ एक्स एग्रेशन इन द स्पीकिंग ऑफ हिज चिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड। उस ज़र्बुल मसल के अंदर, उस जोक्स के अंदर, उन कोटेशंस के अंदर, एक जो कि कैप्टन थे स्कूल ब्रुकफील्ड के, उसमें भी उनका जिक्र आया था कि जब उन्होंने कहा था कि आपकी जो ब्रुकफील्ड की सर्विसेज हैं उसके बारे में भी बात हुई है, बट देन
ही कम्स ऑफ एन एक्सेलरेटिंग फैमिली, तो मुबल्लगा अराई करने वाला जो खानदान था उससे उनका थोड़ा सा जो टॉपिक था वो छिड़ा हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आई रिमेंबर वंस, मुझे याद पड़ता है हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट, मैंने उसकी पटाई लगाई थी। और शायद आपको याद हो हमने इससे पहले कोले की भी फैमिली के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं और मैंने आपको बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह उसकी फैमिली में जो फादर है वो उसको उसकी भी पटाई लगाई थी उन्होंने। आई गेव हिम वन मार्क फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, और मैंने, मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, मिस्टर जिप्स कहते हैं कि मैंने उसको लैटिन ट्रांसलेशन के अंदर सिर्फ एक मार्क्स दिए थे। तो ये कोले की फैमिली और ये वाली फैमिली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको नोट डाउन करवाए हुए हैं। आई गेव हिम वन मार्क एंड ही एक्स एक्स ग्रेड थ्री द वन इन टू अ सेवन, और माशाल्लाह वो इतना चलाक था जिसकी वजह से उसको मैंने पनिश किया था कि उसने उस वन को सेवन मार्क्स कर दिए थे, तो जिसकी वजह से मैंने उसको थ्रैश किया था, मतलब उसको मारा था मैंने। रॉड्स ऑफ लाफ्टर एंड ट्यूमल्टियस चीयर्स अ टिपिकल चिप्स रिमार्क एवरीवन थॉट, और फिर आपको पता है उस वक्त स्पीच चल रही थी, उस वक्त जोक्स हो रहे थे, तब उन्होंने ये वाक्य शेयर किया तो लोग सारे हंसने भी लग गए और बहुत खुश हुए क्योंकि ये एक अमूमन चिप्स की बातें थी, क्योंकि आमतौर पर चिप्स ऐसे ही बिहेव करते थे क्लास में। एंड देन ही मेंशन दैट ही हैड बीन एट ब्रूकफील्ड फॉर 42 इयर्स एज आई एम रिटन ऑन द बोर्ड, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस ब्रूकफील्ड के अंदर 42 इयर्स थी, तो ये आपने एज एन एमसीक्यू याद रखना है। And that he had been very happy there. और 42 साल के अंदर वो वहाँ पर ब्रूकफील्ड के अंदर बहुत खुश रहे, और खुश रहने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को ब्रूकफील्ड समझा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियोज में भी देखा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि मिस्टर चिप्स खुद एक ब्रूकफील्ड थे, खुद एक अदारा थे। इट हैज बीन माय लाइफ, फिर उन्होंने स्पीच के अंदर कहा कि ये मेरी जिंदगी थी, अगर मैंने ब्रूकफील्ड के अंदर इतना वक्त गुजारा है, दिस वॉज माई लाइफ। और ये जो आगे इन्होंने जुबान लिखी है वो मिदी पेरिटिसियर रेफ्राड सी जुपिटर एनोस, ये लैटिन लैंग्वेज है, तो इसका मतलब मीनिंग है आई नीड नॉट कोर्स ट्रांसलेट। उन्होंने कहा कि मैं इसको ज्यादा हंसकर कहा ना मच लाफ्टर, ज्यादा हंसकर उन्होंने कहा कि मैं इसको अब बिल्कुल भी तर्जमा नहीं करूंगा। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रूकफील्ड, वो कहते हैं मुझे याद पड़ते हैं कि मैंने काफी ज्यादा ब्रूकफील्ड के वाकियात मुझे याद आते हैं। आई रिमेंबर द फर्स्ट बाइसिकल, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली बाइसिकल मैंने कब ली थी। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनको याद है कि कभी भी जो पहले वाले लैम्प्स थे वो लाइट और गैस वाले नहीं थे, तो एक्चुअली वो वाला भी उनको एक इवेंट याद आ रहा था। एंड वी यूज्ड टू हैव अ मेंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम एंड लाइट द लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक फर्द था हमारी एक ग्रुप के अंदर, तो वो उसका काम ही सिर्फ ये होता था कि वो लाइट्स को रोशन करता था। आपने तो देखा ना आजकल जो है हमारे पास बल्ब आ गए हैं, मतलब एलईडी लाइट्स आ गई हैं, तो पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो पहले जमाने में लाइट्स को लिट करने के लिए एक ड्यूटी बॉय जो है ड्यूटी लगाई होती थी बॉय की, उसको लैंप बॉय कहा जा रहा है कि उसने लिट करने होते थे, जब उसकी ड्यूटी होती थी वो सारी स्ट्रीट्स को देखता था, और जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी उसको लाइट को लिट करना पड़ता था, मतलब रोशन करना पड़ता था, जलाना पड़ता था। और कहते हैं मुझे वो भी दिन याद है व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रॉस्ट, काफी धुंध पड़ रही थी, दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स, और वो कोई 7 हफ्ते धुंध पड़ती रही, मतलब फॉग पड़ती रही, मतलब फ्रोस्ट था उस वक्त जमाने में, मतलब उन दिनों में। एंड इन द विंटर टर्म देयर वर नो गेम्स, फिर कोई गेम्स नहीं हुई थी, एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस, और उस दलदली, यहाँ पर लेंच का मतलब होता है लोअर एरिया, तो उस दलदली इलाके पर वो जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है स्केट, बर्फ जम चुकी थी, और वो ऐसी बर्फ थी कि जिस पर आप फिसलन मतलब स्लिप हो सकते हैं। सो दिस वॉज योर पैराग्राफ 1-7 एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर्स और इन प्रीवियस वीडियोज, यू रेज सम क्वेश्चंस, आपको कोई सवाल मतलब कोई प्रॉब्लम है और आपने कुछ सवाल करने हैं, तो एज आई हैव टोल्ड कि मैंने कमेंट्स के अंदर अपना फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपने किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लास लेनी है आप मेरे से ले सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।